राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के इसका सबसे बड़ा जो फ़ायदा है वो ये कि आवाम अपने हुकूमत के हवाले से, अपने इदारों के हवाले से, अपने मुंतखब मेंबरान के हवाले से, अपने ऑफिसर्स के हवाले से, उनकी जो परफॉर्मेंस होती है उसके बारे में उनको मालूम होगी। जितना पैसा पब्लिक मनी खर्च होता है उसके बारे में उनको मालूम होगी। जो भी काम होगा उसकी जो परफॉर्मेंस वाइज उनको मालूम होना चाहिए। हर आदमी को फिंगर टिप से मालूम होना चाहिए कि उनके लिए सड़क बन रही है, उनके लिए स्कूल बन रहा है, उनके लिए कॉलेज बन रहा है, हॉस्पिटल बन रहा है, उस पर कितना खर्च आ रहा है, कितना उस पर पैसा लगा है, क्या इसका इसकी क्वालिटी वाइज ठीक है ठीक नहीं है, कौन इसमें कमीशन खा रहा है, कौन रिश्वत ले रहा है, ये सारी वो चीज़ें हैं जो अभी एक्सटेंड हो रही है मलकन डिवीज़न के लिए इससे पहले। लेकिन जो असल चीज़ें देखिए, आज महंगाई की हम रोना रो रहे हैं, हम कहते हैं जी महंगाई है, लेकिन महंगाई के पीछे वो तसलसल है, वो लूट मार है इस मुल्क के अंदर जो आज तक होती रही है, जो हमारे साबिका हुकुमरान उनकी मर्ज़ी थी, जो करते थे कोई इदारा भी बनाते तो अपने नाम से बनाते जी, नवाज शरीफ एकेडमी सेंटर फलाने, ये उसकी मेन वजह ये थी कि कोई पूछने वाला नहीं था। और जो लूट मार उन्होंने की इस मुल्क के अंदर, आप देखें कि सिर्फ 2008 से 2013 तक इस मुल्क में 24,000 अरब कर्जा लिया गया, जो अपने आज ये सारे चोर इकट्ठे हो रहे हैं, उस सरबराही कौन कर रहे हैं, मौलाना फजल रहमान साहब, और उसके इर्द गिर्द कौन है, आफ्ताब शेरपाव साहब और असफंजार वली साहब। तकलीफ क्या है कि जी पहले उनको गिरफ्तार किया गया, फिर हमारी बारी आनी है, तो आपकी बारी तो आएगी। और इंशाल्लाह ताला मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि पाकिस्तान का हर सियासतदान जिसने चोरी की है वो जेल में जाएगा इंशाल्लाह। देखिए, हमने इलेक्शन किया है, इन्हीं से हम जीत कर आए हैं, इसका मतलब है कि आवाम हमारे साथ है, इनके साथ नहीं है। दूसरी बात यह है कि जब उनके बाप से हम नहीं डरे हैं तो मेरे ख्याल से उनके बच्चों से हम क्या डरेंगे।